है, किस तरह से जो है देखा जा रहा है बंदियों के पास फोन पहुंच रहे हैं और इतनी हिमाकत हो रही है कि सीएम को धमकी दे रहे हैं। जी बिल्कुल खुशबू, देखिए ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार ऐसा हुआ है कि सीएम को धमकी दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेल के अंदर से ये धमकी दी गई है, दूसरी बार ऐसा हुआ है। जेल की जो सुरक्षा है उसको लेकर लगातार सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं। जब भी जेल में सर्च किया जाता है तो इस तरह से देखा जाता है कि प्रतिबंधित वस्तुएं या फ़ोन या अन्य सामान जो है वो कैदियों के पास से बरामद होता है। और आज एक बार फिर दौसा की जो विशिष्ट जेल है वहाँ से ये धमकी जो है सीएम को दी गई, और आधा दर्जन से अधिक जो मोबाइल फ़ोन हैं वो जेल के अंदर से बरामद किए गए कैदियों के पास से। अब जिस बैरिक के अंदर वो बंदी था उसके साथ जो अन्य कैदी थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक पूछताछ में क्या सामने आया है? जिस बंदी ने धमकी दी, जो जानकारी मिल पा रही है, जब उससे पूछताछ की गई तो किसने उसको ये ऑर्डर दिया था, कौन उसके साथ मिला हुआ है, कुछ पता चल पाया? जी बिल्कुल, देखिए जो बंदी है वो दार्जिलिंग निवासी नीमो नामक व्यक्ति बताया जा रहा है, जिससे कि पूछताछ की जा रही है कि उसने आखिर ये जो धमकी है वो क्यों दी थी, उसकी मंशा क्या थी। हालांकि अभी उससे पूछताछ की जा रही है, ना केवल दौसा पुलिस, जयपुर पुलिस, बल्कि जो तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, चाहे CIDCB की बात करें या जो इंटेलिजेंस की टीम उसकी बात करें, वो तमाम एजेंसियाँ उससे पूछताछ कर रही है, क्योंकि जो मामला है वो सीएम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और इस तरह से जेल के अंदर से सीएम को धमकी दी गई है, तो उसको लेकर जो जाँच है वो फिलहाल पुलिस की जारी है, लेकिन अभी तक मंशा स्पष्ट नहीं हो सकी कि आखिर क्यों जेल के अंदर से इस तरह से सीएम को जान से मारने की धमकी दी गई। जी खुशबू, ऐसे में विनय कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, सीएम की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी कुछ जानकारी मिल पा रही है इसके बाद, क्योंकि दूसरी बार धमकी मिली और प्रदेश के मुखिया को, जिनके ऊपर पूरा दावेदार है, जिसको पूरे राज्य को संभालने का, और ऐसे में उनको धमकी मिल रही है, तो क्या सुरक्षा बढ़ाने को लेकर कोई जिक्र हो रहा है, कोई बातचीत हो रही है इसको लेकर? जी फिलहाल देखिए, हालांकि सीएम की जो सुरक्षा है वो पहले ही चाक चौबंद है, लेकिन जब इस तरह की धमकी मिलती है तो उसके बाद विशेष एहतियात बरते जाते हैं। पुलिस मुख्यालय भी अपने स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहा है, और पुलिस मुख्यालय ने भी सीएम सिक्योरिटी में जो लोग मौजूद हैं उनको सख्ती बरतने के जो निर्देश हैं वो दिए हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो सिक्योरिटी में कुछ और सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए जाएंगे। हालाँकि सीएम जो हैं दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली से अब वो रवाना होंगे बीकानेर के लिए, लेकिन इस तरह से जब धमकी दी जाती है तो उसके बाद तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो ज़रूर अलर्ट मोड पर आ जाती हैं, और तमाम जांच एजेंसियां अभी अलर्ट मोड पर है। जिसने धमकी दी थी उस व्यक्ति से लगातार पूछताछ की जा रही है, और जयपुर पुलिस भी अब इसमें मुकदमा दर्ज करेगी, और जो धमकी देने वाला व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करने के बाद जयपुर लाकर भी उससे पूछताछ की जाएगी। सवाल ये भी उठ रहा है कि कैसे जो है बंदियों के पास मोबाइल पहुंच जाते हैं, इसको लेकर भी क्या जाँच की जा रही है? जी बिल्कुल खुशबू, देखिए क्योंकि दौसा जेल के अंदर बंद जो ये बंदी है उसके पास से ही मोबाइल बरामद हुआ है, और उसी मोबाइल के जरिए उसने धमकी दी थी यहाँ पे सीएम को जान से मारने की। और ना केवल वही मोबाइल बल्कि आधा दर्जन से अधिक मोबाइल जेल के अंदर से बरामद हुए हैं, तो यहाँ पे जो जेल प्रशासन है उस पर भी लगातार सवाल निशान खड़े होते जाते हैं। तमाम दावे जेल विभाग की ओर से किए जाते हैं कि जेल के अंदर कैदियों के पास मोबाइल और प्रतिबंधित वस्तु नहीं पहुंचेगी, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश में अलग अलग जगह इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आती हैं, इस तरह के कई केसेस सामने आते हैं कि जेल के अंदर से मोबाइल बरामद हो रहा है, या जेल के अंदर बैठ कर जो बदमाश हैं वो अपना नेटवर्क मोबाइल के जरिए चला रहे हैं। तो ऐसा ही एक मामला अब दौसा में सामने आया, देखना यही होगा कि दौसा जेल के जो वहाँ पर जो कार्मिक तैनात हैं उन पर अब किस तरह का एक्शन यहाँ पर जेल विभाग के आला अधिकारियों द्वारा लिया जाता है। जी खुशबू, क्या आप तक ये जानकारी अभी क्लियर हो गई है कि जो बंदी है किस मामले में बंदी है, वो किस तरह की जो है उसके ऊपर मामले दर्ज है? जी फिलहाल देखिए, अभी जो आरोपी है वो दार्जिलिंग निवासी नीमो बताया जा रहा है, जो कि एक प्रकरण में सजा याफ्त है। हालांकि किस प्रकरण में उसको सजा मिली है अभी इसकी जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन गंभीर अपराध के अंतर्गत ही उसको बंद करा हुआ है, जिसमें वो अपनी सजा अभी काट रहा है। इस पूरे मामले में क्या उसके साथ कुछ और भी बंदी जो कि जेल के अंदर बंद है वो मौजूद थे, या किसी के द्वारा उनको इस तरह से कहा गया कि सीएम के नाम से धमकी दें, इन तमाम चीज़ों को लेके यहाँ पे जांच की जा रही है, क्योंकि जो बंदी है वो राजस्थान से संबंध नहीं रखता है, दार्जिलिंग का रहने वाला है, तो ऐसे में मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्या किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा ये काम कराया गया, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो सभी सुरक्षा एजेंसी है वो अलर्ट मोड पर है, और अलग अलग चरणों में जो ये बंदी है नीमो उससे जेल के अंदर ही पूछताछ की जा रही है। जी खुशबू,
विनय, जहाँ तक जानकारी मिल रही है, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि दूसरी बार धमकी मिल रही है, और दूसरी बार जो है जेल से ही धमकी मिल रही है, यानी कि जो जेल में जो अपराधी बैठे हैं, ऊपर बैठे आका जो है, जो भी उनको इतनी ज्यादा या तो किसी चीज का ऑफर कर रहे हैं, या जो है कुछ तो ऐसा है जो बार बार जेल से ही धमकी मिल रही है। क्या जो पहले जांच हुई थी वो सही तरीके से नहीं हुई थी, उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला था, कुछ पता नहीं चल पाया था, जो कि दूसरी बार ऐसा ही मामला सामने आ गया, दूसरी बार भी जेल से ही धमकी मिल गई। जी खुशबू, वाकई देखिए यहाँ पे सवाल तो कई खड़े होते हैं। हालांकि जब पहली बार जयपुर सेंट्रल जेल के अंदर से सीएम को जान से मारने की धमकी दी गई थी, उस समय जो कैदी था उसको जब पकड़ा गया था, तो ये बात भी सामने आई थी कि उसकी थोड़ी सी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, और जो कैदी उसके साथ में जो बंद थे उनके बहकावे में आकर उसने इस तरह की हरकत की थी। लेकिन आज जो मामला सामने आया है वो थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि बंदी भी राजस्थान से संपर्क नहीं रखता है, था आसपास दूसरे बंदियों ने उसे बेलाया फुसलाया था, उसको चढ़ाया था इस चीजें करने के लिए, लेकिन फोन तो उसके पास कहीं ना कहीं से आया था, तो बाकी बंदियों से भी पूछताछ हुई होगी, क्या सही तरीके से पूछताछ नहीं हो पाई थी जो एक बार फिर से इंतजार किया गया और देखिए एक बार फिर से धमकी मिल गई मुख्यमंत्री को। जी बिल्कुल खुशबू, वाकई इसमें जो और कैदी हैं जो उनके साथ बंद हैं, जो बंदी हैं, उनसे भी पूछताछ जब जयपुर सेंट्रल जेल में मामला सामने आया था उस समय भी की गई थी, और मोबाइल जेल के अंदर जिस बंदी के जरिए पहुंचा था उसको भी उस मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब आज जो मामला सामने आया है उसमें केवल एक मोबाइल नहीं, आधा दर्जन से अधिक मोबाइल जेल के अंदर से बरामद हुए हैं। अभी फिलहाल पुलिस उसको भी फिगर आउट कर रही है कि किस मोबाइल का प्रयोग धमकी देने के लिए किया गया, और किस व्यक्ति के द्वारा मोबाइल जो है वो बाहर से जेल के अंदर पहुँचाए गए, या किस बंदी का मोबाइल था जो कि धमकी देने में इस्तेमाल किया गया। इन तमाम चीज़ों को लेकर ना केवल दौसा पुलिस, जयपुर पुलिस, बल्कि तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है। कई आला अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हैं जो कि इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और क्या सिर्फ दार्जिलिंग निवासी अपराधी जो है, जो आरोपी, जो बंदी, उसी से पूछताछ हो रही है, या उस बैरक में जितने भी बंदी थे उन सबसे पूछताछ हो रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं देखिए बताना चाहूँगा, केवल जो बंदी है दार्जिलिंग निवासी जिसका नाम नीमो है उससे तो पूछताछ हो ही रही है, उसके अलावा जो उसकी बैरक में बंद अन्य बंदी थे, इसके अलावा और भी जो बंदी जिनके पास से मोबाइल बरामद हुए हैं उन सभी से पूछताछ चल रही है, अलग अलग चरणों में पूछताछ की जा रही है। बाकायदा जो टीम वहाँ पर गई है वो पूरा नोट कर रही है कि जो भी चीज़ वो अपने बयानों में बता रहे हैं उस पूरी चीज़ को नोट किया जा रहा है, क्योंकि जो मामला है वो सूबे के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री को जान से मारने की